आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का हुआ है शुभारंभ। गेहूं, चावल, नमक, तेल, चना का किया गया है वितरण। राज्यमंत्री ने लोगों को बांटा है राशन। एराया ब्लॉक के अलीपुर गांव में एक कार्यक्रम। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का हुआ है शुभारंभ। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर का मामला आया है सामने, जहां हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर का मिला है शव, जहां पुलिस ने शव को मिलने की पुष्टि की। टीसीपी पश्चिम और टीम की मेहनत लाई है रंग। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 दिसंबर को डॉक्टर ने हत्या को दिया था अंजाम, जिसके चकेरी थाना क्षेत्र के सिद्धनाथ घाट में है यह मामला। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रिपल मर्डर का मामला आपको बता रहे हैं, जहां हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर का मिला है शव, पुलिस ने शव मिलने की पुष्टि की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिजवान, तो क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? हेलो जी श्वेता, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि विरुद्ध मुख्य आरोपी थे, उनका शव बरामद होता है। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी मैम जी, मुख्य आरोपी का शव बरामद होता है, वो भी गंगा घाट से जी। उस पर पुलिस लगातार उस पर कार्यरत थी, कार्य कर रही थी कि उनका कुछ ना कुछ उनका मिले, कुछ ना कुछ उनका डायरेक्टली शव मिलता है। जिस पर हत्या मामला 3 दिसंबर का है, जिसमें डॉक्टर ने अपनी बेटी व पत्नी व बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। सुसाइड नोट में ये भी लिखा था, मैं ही आरोपी हूँ। तो इसमें अभी जो आरोपी थे उन्होंने अपने को सुसाइड किया है जी। तो अभी शव अभी आगे सामने, ये मामला सुसाइड, उन्होंने अपने अपने बीवी और बच्चों को खुद मारा था। और ये मामला अभी सुसाइड का, उन्होंने ये लिखा था पेपर नोट पे कि मैंने ही अपने बीवी और बच्चों को मारा है। और वही मुख्य आरोपी थे, पुलिस की नजर सब मुख्य आरोपी वही थे। आज उनका भी एक शव बरामद होता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो पुलिस ने शव मिलने की पुष्टि की है, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। डीसीपी पश्चिम और टीम की मेहनत लाई है रंग। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेकाबू कार ने कई लोगों को मारी है टक्कर। फील्ड गन फैक्ट्री की दीवार पर जाकर पलटी है कार। घटना के मौके पर सैकड़ों की भीड़ हुई है जमा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरमारपुर थाने क्षेत्र का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बेकाबू कार ने कई लोगों को मारी है टक्कर, जहां पे तमाम लोग हुए हैं घायल। फील्ड गन फैक्ट्री की दीवार पर जाकर पलटी है ये कार। घटना के मौके पर सैकड़ों की भीड़ हुई है जमा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अरमारपुर थाने क्षेत्र का है ये पूरा मामला, जहां कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर एक अनियंत्रित कार ने लोगों को मारी है टक्कर, जहां आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।